अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब के अंदर अभी भी पानी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, मतलब हैवी रेन को लेकर सऊदी के मानसून डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो अभी भी आप सावधानी से अपना सफ़र करें। लोकल अगर आप कहीं भी किसी भी जगह सफ़र कर रहे हो तो इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके सहायता ले लें। दोस्तों अगली खबर एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इजराइल गाजा पर अवैध व्हाइट फास्फोरस बम अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब लगातार बमबारी व्हाइट फास्फोरस का किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध को लेकर भी अपडेट किया जा रहा है, लेकिन इजराइल सारे नियम को तोड़कर आगे इसका इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि इंसानियत का ढकोसला देने वाले यूएन इजराइल पर कार्रवाई कब करेगा, कब चुप्पी तोड़ेगा, इसको लेकर भी अपडेट किया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में भी एक बमबारी वाहन पर किया है, जिसमें एक महिला 3 बच्चे की मौत हो चुकी है। मतलब अभी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों इजराइल के पीएम ने कहा है कि अब हम एटम बम भी गिराएंगे। इसका मतलब यही है कि अब और भी भयानक लड़ाई हो सकती है। दोस्तों अगली खबर एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप इंडिया की राजधानी दिल्ली से हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए और अभी दिल्ली का सफ़र ना करें। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 10 नवंबर 2023 तक पूरे स्कूल बंद होने को लेकर अपडेट किया गया है। 6 से 12 तक स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन की छूट दी गई है। सरकारी निजी कार्यालय में 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। ट्रक कमर्शियल वाहन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ आवश्यक वाहन को छूट भी दिया गया है। मतलब प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको सावधान रहना है। घर से बाहर जहां तक हो सके वहां तक ना निकलें, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होने का खतरा हो चुका है।